आज के इस विद्युत उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री अरविंद कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल जी, पावर कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारीगण वीडियो लिंक से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति रानी जी, माननीय श्री संतोष गंगवार जी, माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मेनका गांधी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, सभी माननीय सांसदगण, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आप सबकी शुभेच्छा और सकारात्मक सहयोग से वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान ही उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 3,135 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश की जनता को आज यहां पर अर्पित कर रही है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रदेश और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं और पावर कॉर्पोरेशन को समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 वर्षों में एक बेहतर कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा करके आम जन के विश्वास को व्यवस्था के प्रति सुदृढ़ करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। चाहे वह प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की समान व्यवस्था प्रत्येक नागरिक करने के लिए उठाए गए कदम हो, जिसमें जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति का संकल्प हो, और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जिसके माध्यम से हर एक घर में उजाला देने के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा देश के अंदर लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पास था। 1,24,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों के पास जिन्होंने आज़ादी के बाद बिजली नहीं देखी थी, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर उनके घरों तक भी उजाला पहुंचाने का कार्य किया गया। ये केवल विद्युत कनेक्शन नहीं दिया है,
बल्कि इसके लिए लगभग 2.25 लाख मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य के विराट लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। और ये निरंतर प्रयास है कि अभी विद्युत वितरण की जो गति है 18 घंटे 20 घंटे और 24 घंटे की, पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सकें, उस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास की ये कड़ी जोड़ी जा रही है। ये सारा कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सभी हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, मान्य सांसद और मान्य विधायकगण या प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण एक सकारात्मक भाव के साथ राज्य की सरकार को अपनी मदद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और टीम वर्क हमारे सामने इस रूप में देखने को भी मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान पिछले 2.5 महीनों से हम सब इस बात को देख रहे होंगे कि बिना लॉकडाउन की प्रवाह के बगैर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की।